प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग नवीन लोक प्रबंध का चैप्टर पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने क्या है, नव लोक प्रबंध जो है उसकी पृष्ठभूमि, उसके विभिन्न नाम और उसकी जो विशेषताएं हैं, 10 विशेषताएं हैं जिसको उद्यमी सरकार की विशेषताएं कहते हैं, और इसके पश्चात हम क्या है आज जो नव लोक प्रबंध है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है, वो किन किन बातों पर जोर देता है, मुख्य बल इसका किस पर है, उसके बारे में देखते हैं। उसमें क्या है जो 3E है, एक तो एफिशिएंसी, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा इफेक्टिवनेस। ये क्या है, 3E है, 3E है, 1, 2 और 3। तो पहला जो है वो है एफिशिएंसी, अर्थात कार्य कुशलता, इन्हें काम को क्या है ऐसे ढंग से करना जिससे क्या है वो ऐसे स्किलफुल लगे और यूँ मानो ऐसा लगे कि जैसे वो क्या है शानदार हो, बिल्कुल परफेक्टनेस हो उसमें। दूसरा है मितव्ययिता, यानी कम खर्चे में क्या है बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करके दे, वो हो जाएगी मितव्ययिता। तीसरी होगी प्रभावकारिता, अर्थात उसमें क्या है जो आपने इनपुट डाला है और जो आउटपुट आया है, यानी लागत लाभ जो है उसके आधार पर जो विश्लेषण होता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिवनेस कहलाता है। यानी कम पैसे में बढ़िया काम यदि हो तो वो क्या कहलाएगा, प्रभावकारिता। यानी कहने का अर्थ कार्यकुशलता और जो मितव्ययिता है उनसे ही क्या है प्रभावकारिता तय होती है। तो ये इस प्रकार से क्या है 3E है इसके। ये तो 3E तो मुख्य हैं, इसके मेन मतलब मोटिव हैं, यूँ मानिए पूरा फोर्स इन पे रहता है इसके। इसके अलावा भी क्या है, ये निष्पादन जो मूल्यांकन है, यानी काम जो किया गया है उसका क्या मूल्यांकन करता है, जोर देता है। ऐसे नहीं है कि काम कर दिया उसको बाद में देखा ही नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें इसमें नहीं है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, किए गए कार्य का क्या है मूल्यांकन किया जाता है। उसके अलावा मैनेजरियल ऑटोनॉमी जो है, प्रबंध की स्वायत्तता जो है, वो भी इसमें क्या है महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि जो भी काम करता है व्यक्ति, तो उसको क्या है उस क्षेत्र में काम करने की क्या उसको पूरी ऑटोनॉमी होती है, यानी वो अपने विवेक से क्या है पूरा डिसीजन ले सकता है और क्या है बेस्ट परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस देने का क्या है प्रयास करता है। तो इसके लिए क्या है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता जरूरी है। इसके अलावा अगला जो है वो क्या है लागत कटौती, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या है कम से कम क्या है खर्चे में काम करने का प्रयास करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहता तय करते हैं, किया गया काम है यदि वो गलत हुआ है सही हुआ है तो उसके बारे में क्या है जवाबदेहता तय होती है। इनोवेशन, नवाचार, यानी नई नई चीज़ों को ऐड करना जिससे क्या है लक्ष्य जो है उसको क्या है कम मतलब लागत में क्या है प्राप्त किया जा सके, लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके, क्योंकि ये क्या है नागरिकों को, जनता को क्या है उपभोक्ता मानता है। इसके अलावा अच्छा काम करने पर क्या है बोनस दिया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर रहता है, टारगेट ओरिएंटेड काम होते हैं, और प्रतिग्राह्यता यानी जनता की जो आकांक्षाएं हैं या मार्केट की जो डिमांड है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो मांग है उसके प्रति क्या ये सेंसिटिव होता है, कमिटेड होता है, जो भी लक्ष्य तय किया उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है, और प्रतिस्पर्धी स्तर होता है, यानी कहने का कम्पिटिटिवनेस होती है। तो ये इस प्रकार से क्या है इसके कुछ मुख्य बातों पर जोर है नवीन लोक प्रबंध का, ये हमने देखा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं, ये क्या लगभग इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं लगभग कुछ कुल मिला के, तो ये भी क्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो क्या ये मैनेजमेंट पर जोर देता है, ये हम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि ये क्या है नीति या मूल्य के स्थान पर क्या है प्रबंधन पर जोर देता है, अर्थात क्या होना चाहिए, क्या प्राप्त करना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मानता है कैसे करना है। इसके लिए क्या है जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, काम करने वाले हैं, उनको क्या है ज़्यादा स्वायत्तता और संसाधन क्या है प्रदान करने जरूरी है। दूसरा क्या है ये नागरिक को क्या है उपभोक्ता मानता है, और इससे क्या होता है कि नागरिकों की जो रुचि है उसके अनुरूप क्या है सेवाओं के विकल्प मिल जाते हैं, और दूसरा क्या है जो दी गई सेवा है उसका क्या है पूरा मूल्य जो है उसका वसूला जाता है। तो इस प्रकार से क्या है नागरिकों को उपभोक्ता मानता है,
और तीसरा जो है प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की कंपटीशन जो है वो ये ज़रूरी है, जो भी सेवा देने वाले हैं, वस्तु देने वाले हैं, उनके मध्य के अस्वस्थ प्रतियोगिता हो ऐसा चाहती है सरकार। और उसके लिए क्या है, कई प्रकार के टेंडर बुलाए जाते हैं, और उससे क्या है, टेंडरों से क्या है, उसमें क्या है, अलग अलग एजेंसियाँ आती हैं, निविदा जब निकलती है तो वो क्या है, कम खर्चे में क्या है, ज़्यादा अच्छा काम करने का दावा करती है। तो इसके लिए क्या है, अनेक प्रकार की नई संकल्पनाएँ आ गई हैं, जैसे बूट है, बोल्ट है, बोट है, यानी बनाओ, निर्माण करो, फिर उसका मालिकाना हक लो, उसको क्रियान्वित करो, और फिर उसको क्या है, ट्रांसफ़र कर दो। जैसे नेशनल हाईवे वगैरह होते हैं, इनको क्या है, जो एजेंसियां होती हैं प्राइवेट, वो क्या ठेका लेती है, सड़क बनाती है, उसके बाद में क्या है, उसको वो क्या है, संचालित करती है। संचालित करने के दौरान क्या है, वो टोल के रूप में क्या है, अपना पैसा वसूल करती है, और जब उसका क्या है, लाभांश पूरा हो जाता है, उसके बाद में क्या है, वो सरकार को क्या है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, बोट कहते हैं, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। तो ये इस प्रकार से क्या है, एक प्रतिस्पर्धात्मक जो बाजार है, कंपिटिटिव जो है मार्केट, उसको क्या है, उसको बनाने में क्या है, ये जोर देता है। इसके बाद आता है कार्य निष्पादन समीक्षा, यानी इसमें क्या है, कर्मचारियों को मान्यता देना, मतलब उनका सम्मान करना, उनका वेतन है, पदोन्नति है, वो सब प्रदान किए जाते हैं, और समय सीमा में काम पूरा करने की प्रवृत्ति जो है उससे क्या, उसको क्या है, बल मिलता है। मितव्ययिता जो है उसको जोर दिया जाता है। नगद प्रणाली के स्थान पर क्या है, प्रोक्योरमेंट प्रणाली को अपनाया जाता है, और जो नौकरशाही है उसके स्थान पर क्या है, जो समुदाय है उसको क्या सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है, और शक्ति के केंद्रीकरण के स्थान पर जो निचले स्तर के जो लोग हैं उनको क्या शक्तिशाली बनाया जाता है, उनको पावर्स दी जाती है, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। पारदर्शिता और खुलापन क्या है, सेवाओं में रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, इसकी कुछ क्या है प्रमुख मान्यताएँ हैं। इसके बाद में ये किन चीज़ों का विरोध करता है, उसकी प्रति मान्यताएँ जो हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो ये क्या है कि राजनीति और प्रशासन जो है उसके मध्य जो द्विविभाजन है उसका क्या है, ये विरोध करता है, अर्थात राजनीति और प्रशासन को ये अलग नहीं मानता है। इसके अलावा जो हायरार्की है, पद सोपान है, नौकरशाही इसी पर आधारित है, तो उसको ये नहीं मानता। जहाँ जो सक्षम है, जो कर सकता है, और उसमें क्या स्टेप कम रखे जाते हैं ताकि कार्य क्या जल्दी से हो, तो पद सोपान रूपी जो संगठन है जिसमें कठोरता होती है उसको क्या है, ये अमान्य करता है। इसके अलावा ये केंद्रीकरण जो होता है सत्ता का, उसका विरोधी है, क्योंकि हमने पढ़ लिया था कि ये विकेंद्रीकरण पर जोर देता है, इसलिए केंद्रीकरण का ये विरोध करता है। तार्किकता रैशनलिज्म जो है उसका ये विरोध करता है निर्णय निर्माण में। और इसके अलावा ये कठोरता और रूढ़िवादिता का विरोध करता है, जो भी संगठन है उसके अंदर क्या है, इस प्रकार से प्रक्रियागत कठोरता जो है उसका विरोध करता है, यानी जो रूल्स पर ज़्यादा जोर देते हैं और मतलब उसी में अटके रहते हैं, काम को जल्दी से उल्टा निपते नहीं हैं, तो इनका ये विरोध करता है। इसके अलावा ये क्या है, जो संगठनात्मक अंतर्मुखता है उसका भी विरोध करता है, क्योंकि संगठन जो है पहले वाली जो प्रशासन जो था वो क्या है, क्लोज्ड मॉडल पर आधारित था, तो ये क्या है, ओपन मॉडल को समर्थन करता है, जो बाह्य परिवेश है उससे भी प्रभावित होता है और उसको प्रभावित करता है, उसकी मांगे जो हैं उनको इनपुट्स के रूप में लेता है और उस फिर क्या है उसको आउटपुट के रूप में देता है। इसके अलावा जो विधिक सर्वोच्चता है, मतलब कानून जो है उसको ही मान्य करना, ठीक है ना, व्यवहारिकता को नकार देना, तो ये क्या व्यवहारिकता को ज़्यादा महत्व देता है। और इसके अलावा जो मोनोपोली है, एकाधिकारिता है, पहले सरकार के समस्त कार्य क्या है, जो जितने भी जनता की सेवाएं थी उनको क्या है, सारे काम क्या है सरकार करती थी, तो जो एकाधिकारिता मोनोपोली थी उसको क्या है, विरोध करता है। अब देखते हैं हम हर जगह क्या है, प्राइवेट का क्या बोलबाला हो गया, तो वो एकाधिकारिता क्या है सरकार की क्या है, ख़त्म हो गई है। आदर्शवाद और नौकरशाही जो है उसका भी क्या है, ये विरोध करता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, इसकी कुछ प्रतिमान्यताएँ हैं। तो कुल मिलाकर जो नवीन लोक प्रबंध की विचारधारा है उसका विकास जो है प्रारंभ में धीरे धीरे हुआ, लेकिन अब क्या है, ये अनिवार्य रूप से क्या है, सभी सरकारों की आवश्यकता बन गई है। लेकिन बाजार की गूंज जो है उसमें क्या है, गरीब बेसहारा ये जो लोग हैं ये उपेक्षित न रह जाए,
इसके लिए क्या है, सरकारों को ज़्यादा सतर्क और क्रियाशील रहने की ज़रूरत है। इसके लिए भी क्या है, मांग उठ रही है। निस्संदेह नवीन लोक प्रबंध आंदोलन जो विश्व में आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, LPG का जो दौर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का जो दौर है, उसके अनुकूल क्या है, सरकार और प्रशासन को क्या है, अपना चेंज करना होगा। तो उसकी ये क्या है, संतुष्टि तो करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सरकार और नौकरशाही में अब क्या है, कार्यकुशलता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, इनको सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रों में भी क्या है, अनेक ढांचागत और प्रक्रियात्मक परिवर्तन किए गए हैं। और इस प्रकार से क्या है, इसमें क्या है, जो निजी है, शक्तिशाली जो क्षेत्र है, वो क्या है, सरकार के खम्भों को अपने हाथों में ले रहा है। और इससे क्या है, गरीब जो वर्ग है वो कहीं प्रताड़ित ना हो जाए, शोषित ना हो जाए, इसकी चिंता इसमें बनी रहती है। तो ये आज का जो चैप्टर है हमारा नवीन लोक प्रबंध का, ये क्या समाप्त होता है। आपको इससे संबंधित कोई भी जिज्ञासा या जानकारी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं।